हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रांडिंग। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 का जो एग्जाम था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ये जो वीडियो एक रेफरेंस वीडियो की तरह भी काम करेगी, जो दूसरे स्टेट के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम है, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर कह लो, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कह लो, या एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो जो दूसरे स्टेट में जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इस टाइप्स के, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, तो उनके लिए भी एक रेफरेंस वीडियो की तरह काम करेगी। और इसके साथ साथ जो दूसरे आईसीआर के एग्जाम्स होते हैं, चाहे कि वो जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के एग्जाम है, तो उसमें भी एक वीडियो जो जनरल एग्रीकल्चर की तरह काम करेगी। और साथ में जो आईबीपीएस एएफओ है, आईबीपीएस का जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, और एएसआरबी का भी जो एग्जाम है, तो उसके लिए भी एक तरह के रेफरेंस वीडियो है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आज की डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर लिया था, जो 2018 का पेपर था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सम क्रॉप स्पीसीज अंडरग्राउंड स्टेम्स ए मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ स्टेम्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोड्यूसेस बल्ब। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसमें कि बल्ब प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम जो होता है आपका अनियन होता है, अनियन में बल्ब प्रोड्यूस होते हैं। सोलेनम ट्यूबरसम जो आपका पोटैटो है, इसमें जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है, ट्यूबर जो होता है, उसको मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। उसी तरह जो जिंजीवर ऑफिसी नेल है, जिंजर जो होता है, इसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम राइजोम कहते हैं। और इसी तरह जो आपका कुरकुमा डोमेस्टिका है, जो टर्मरिक की स्पीसीज है, इसमें भी राइजोम कहते हैं। तो बल्ब किसमें आएगा? एलियम सेटाइवम है, अनियन। द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ईदर सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज नोन एज। जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है किससे? सिनर्जिट या एंटीपोडल सेल से, तो उस एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका, इस प्रोसेस को कहते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डायोशिस ग्रुप। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो डायोशिस नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका डी, बनाना। पपाया भी डायोशिस स्पीसीज है, डेट पाम में भी डायोशिस होते हैं, स्पिनच भी डायोशिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम नंबर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम नंबर जो करेक्टली मैच नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका बी, पर्ल मिलेट, जिसमें कि एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर होते हैं 14, बट यहाँ पे कितने देंगे 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेक्साप्लॉइड। इनमें से कौन सी ट्रेटिकम स्पीसीज है जो हेक्साप्लॉइड नहीं है? ट्रेटिकम एस्टिमम, कम्पेक्टम, स्फेरोकोकम या डोरम। तो जो आपकी ट्रेटिकम डोरम है, ये हेक्साप्लॉइड नहीं है, ये जो होता है वो एलोटेट्राप्लॉइड है नेचर में, राइट, एलोटेट्राप्लॉइड। विच इज नॉट द एसेंशियल अमाइनो एसिड इन एनिमल या ह्यूमन न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, मतलब हम दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन एसेंशियल है। इसका राइट आंसर है आपका ए, सेरीन जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो आप देख सकते हैं ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट है, जिसमें कि एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लिसिन, प्रोलिन, सेरीन, टायरोसिन, तो ये सभी जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज, हु रोट दिस बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस एंड डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक किसने लिखी और उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? एज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसका राइट आंसर है आपका ए, एडम स्मिथ ने। मनी वॉज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस। इसने मनी को ऐसे डिफाइन किया कि मनी जो है दैट इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। इसका राइट आंसर है आपका ए, रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट इज, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज एक्सपोर्टेड, जो कॉमोडिटीज एक्सपोर्ट की गई हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसके बीच में, और वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज इंपोर्ट और जो कॉमोडिटीज इंपोर्ट की गई हैं उसकी वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज एक्सपोर्टेड और वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज इंपोर्टेड उसके बीच को जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है आपका डी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द स्पीड विद विच द प्राइस इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी। Which of the following term is not related to inflation? इनमें से कौन सी टर्म जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका डी, डीफ्लेशन। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सभी जो है इन्फ्लेशन के टाइप हैं। नेक्स्ट इज, द करेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज
विच ए गुड टैक्सेशन शुड पोजेस आर डिस्क्राइब्ड एज कैनन ऑफ टैक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कैनन ऑफ टैक्सेशन। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कैनन ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो जो कैनन ऑफ टैक्सेशन होता है उसके भी चार कैटेगरीज हैं, चार टाइप्स हैं। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कैनन ऑफ ईओएस जो है वो इसका इससे रिलेटेड नहीं है, कैनन ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। जबकि कैनन ऑफ इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस जो है वो सभी कैनन ऑफ टैक्सेशन के पार्ट है। नेक्स्ट इज विच इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इनमें से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, इसका राइट आंसर है आपका ए, सैक्रम ऑफिसिनेरम जो कि एक्चुअली शुगर केन होता है। और शुगर केन जो होता है इसमें पॉलिनेशन की बात करें तो एनिमोफिली होती है, मीन्स बिंड पॉलिनेटेड है। नेक्स्ट इज द बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर टोमेटो इज, टोमेटो में जो बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सीड मेथड। ये जो होता है एक तो फास्ट होता है और इसमें सीड रिकवरी भी ज़्यादा होती है। द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा इज, ओकरा में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है। इसका राइट आंसर है आपका ए, 250 मीटर। अगर फाउंडेशन की बात करें तो 400 मीटर होता है। नेक्स्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। इसका राइट आंसर है आपका बी, 50 मीटर। सर्टिफाइड की बात करें तो 25 मीटर होती है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज, हिमाचल प्रदेश में एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसका राइट आंसर है आपका बी, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटीन एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर वेलफेयर इज लोकेटेड इन, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटीन है ये कहाँ पे है। इसका राइट आंसर है आपका डी, फरीदाबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनमें से कौन सा जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स एक तरह से गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका राइट आंसर है आपका डी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बाकी सभी जो प्राइवेट सेक्टर की हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है NSC तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ये बिलोंग करती है मिनी रत्ना कैटेगरी वन को, राइट। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज, जो यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका राइट आंसर है आपका ए, नैरोबी केन्या में, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो वो एक किस शेड्यूल में आती है, दिस इज ए शेड्यूल बी मिनी रत्ना कैटेगरी वन में आती है, राइट। शेड्यूल बी मिनी रत्ना कैटेगरी वन की कंपनी है, जो कि पूरी तरह से ऑन की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू चेक द प्लेजरिज्म डिटेक्शन सर्विसेज, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ए, टर्निटिन। द डोरमेंसी ऑफ एप्पल सीड्स इज ब्रोकन बाय, एप्पल सीड में जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं हम। नेक्स्ट इज अजूर ब्लू कलर टैग इज एनक्लोज्ड विद द सीड बैग ऑफ, किस टाइप के सीड बैग के लिए अजूर ब्लू कलर का टैग यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सॉरी ए, सर्टिफाइड सीड के लिए। ब्रीडर सीड के लिए हम गोल्डन येलो यूज करते हैं, फाउंडेशन के लिए व्हाइट करते हैं, राइट। इन द सीड सर्टिफिकेशन द नंबर ऑफ काउंट्स टू बी टेकन फ्रॉम 6 to 10 एकर्स, जब एरिया जो होता है 6 to 10 एकर हो तो कितने नंबर ऑफ काउंट्स लेते हैं सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। इसका राइट आंसर है आपका ए, 6 काउंट लेते हैं, राइट। अगर 6 से नीचे का हो, मतलब 5 एकर तक हो, तो 5 काउंट लेते हैं। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द फाउंडेशन क्लास ऑफ सीड लेवल इज, जो फाउंडेशन सीड होता है उसमें किस टाइप का कलर टैग यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका डी, व्हाइट कलर का टैग यूज किया जाता है। द क्लास ऑफ द सीड प्रोडक्शन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज, इनमें से किस टाइप का सीड क्लास जो है वो सीड सर्टिफिकेशन का जो प्रीव्यू है उससे परे है, उससे बियॉन्ड है, मतलब जिसमें कि जो सीड सर्टिफिकेशन का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो पूरी तरह से ये नहीं फॉलो किया जाता कि ये लेबलिंग आपको करना ही करना है, राइट। उस तरह से, मतलब एक तरह से दैट इज बियॉन्ड द आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ट्रूथफुली लेवल सीड। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट नोन एज द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल इन टू इंडिया इन द ईयर। तो जो DIP है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ये कब आया था। इसका राइट आंसर है आपका डी, 1914 में। एज पर द सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स द टैग शुड बी अकंपनीड विथ, जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो सीड सर्टिफिकेशन हम टैग यूज करते हैं डिफरेंट कलर के,
तो डेट शुड बी कंपनीड विथ, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, इसका राइट आंसर है आपका ए, प्रोड्यूसर लेवल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज रिपोर्टेड एज माइकोपैरासाइट ऑफ स्केलोटिनिया स्केलोशियोरम, इनमें से कौन सी फंगस है जो कि एज ए माइकोपैरासाइट की तरह काम करती है, किसके लिए, स्केलोटिनिया स्केलोशियोरम के लिए। माइकोपैरासाइट मतलब एक पैरासिटिक फंगस होती है जो कि दूसरी फंगस को खाती है, राइट। तो स्केलोटिनिया स्केलोशियोरम जो है इसका माइकोपैरासाइट कौन है, ट्राइकोडर्मा। द बीटी कॉटन हाइब्रिड्स डेवलप्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग इंडियन बॉलवर्म डज नॉट वर्क अगेंस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, जो बीटी कॉटन हाइब्रिड डेवलप किए गए इंडियन बॉलवर्म के अगेंस्ट, तो इनमें से किस इंसेक्ट के अगेंस्ट वो काम नहीं करता है, जिसका राइट आंसर है आपका सी, एमरेस्का बिगुटुला बिगुटुला, राइट। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू अराउंड 1820 एडी, फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में उसको विजिट किया था, तो फर्स्ट यूरोपियन था आपका विलियम मूरक्राफ्ट, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ट्रेम डिवाइड्स कयार दाग धन वैली ऑफ सिरमौर इंटू टू पार्ट्स, कौन सी स्ट्रीम है इनमें से जो कि कयार दा धुन वैली को, सिरमौर में जो कयार दा धुन वैली है उसको डिवाइड करती है दो पार्ट में, जिसका राइट आंसर है आपका डी, बाटा रिवर, बाटा स्ट्रीम, राइट। नेक्स्ट इज विच बिल्डिंग इन शिमला वाज द रेजिडेंस ऑफ एओ ह्यूम, जो एओ ह्यूम थे तो शिमला में उस बिल्डिंग का नाम क्या था जो उनका रेजिडेंस थी, जिसका राइट आंसर है आपका डी, रथने कैसल, राइट। विच लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन बाय द रूल्स अराउंड 1909 एडी में, तो कौन से लीडर थे जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया था 1909 एडी में, इसका राइट आंसर है आपका सी, शोभा राम। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द किन्नौर क्रिएटेड एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट कब बना था हिमाचल प्रदेश में, इसका राइट आंसर है आपका सी, मई 1960 में। इन विच मंथ इज लवी फेयर ऑफ रामपुर बुशहर इज सेलिब्रेटेड, जो हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशहर में लवी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसका राइट आंसर है आपका सी, नवंबर के मंथ में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस बट वाज द सेक्स रेशियो इन एचपी, जो 2011 का पॉपुलेशन सेंसिस था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में सेक्स रेशो कितनी थी, इसका राइट आंसर है आपका सी 972। नियर विच टाउन ऑफ एचपी इज मजस्थल सेंचुरी इज लोकेटेड, जो हिमाचल प्रदेश में मजस्थल सेंचुरी है वो किस टाउन के पास में है, इसका राइट आंसर है आपका सी, शिमला के पास में है। एक्चुअल में जो मजस्थल सेंचुरी वो आती है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और ये शिमला से लगभग 74 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड, तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो इंप्लीमेंट की जा चुकी है, इसके अलावा आप देखें तो कांगड़ा में भी इंप्लीमेंट हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट इज विच प्लेस इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द हर्बल गार्डन, जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन सी जगह जो है जिसको हर्बल गार्डन के लिए बहुत ही फेमस है, जो वो जगह जो हर्बल गार्डन के लिए बहुत फेमस है, इसका राइट आंसर है आपका सी, जंगल थलेरा, जो प्लेस है डेट इज फेमस फॉर हर्बल गार्डन इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट नेम वाज गिवन टू इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण वन कंडक्टेड इन 1974, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, पोखरण वन 1974 में, तो इसको क्या नाम दिया गया था इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस पूरे टेस्ट को, इसका राइट आंसर है आपका डी, स्माइलिंग बुद्धा। Given below is the approximate vote share of the BJP and the Congress during the 2018 Karnataka Assembly elections. Which one is valid? जो Karnataka Assembly elections हुए थे 2018 में, उसमें BJP और Congress का vote share कितना रहा था? इसका right answer है आपका D. BJP का था, BJP को था 36.2% and Congress को 38%. Next is, with which Asian country is India conducting bilateral naval exercise during May 2018? मई 2018 में इंडिया ने किस एशियन कंट्री के साथ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की, इसका राइट आंसर है आपका डी, वियतनाम के साथ। विद विच गेम इज दुरंत कप इज एसोसिएटेड, जो आपका दुरंत कप है डेट इज लिंक्ड विद योर फुटबॉल। नेक्स्ट इज हु इज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन है, इसका राइट आंसर है आपका सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी करंटली जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस राज्यसभा में
अपोजिशन के लीडर हैं। विच वाज द स्पेसक्राफ्ट विच बेंट टू प्लैनेट मार्स, अभी कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लैनेट मार्स को गया भेजा गया था, इसका राइट आंसर है आपका सी पाथफाइंडर स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट इज विच स्ट्रेट लाइज बिटवीन अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में लाई करती है, इसका राइट आंसर है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। विच टू सिटीज आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर दनुबे, कौन सी दो सिटीज हैं जो कि दनुबे रिवर के बैंक के ऊपर स्थित है, इसका राइट आंसर है आपका सी बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिडेंस ऑफ क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो क्वीन है यूनाइटेड किंगडम की यूके की, तो उनका जो रेजिडेंस है वो कहाँ पे रहती है, उनके रेजिडेंस का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी बकिंगम पैलेस। इन विच कंट्री इज अंकोर वाट, यानी कि अंकोर वाट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, इनमें से किस कंट्री में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका डी कैम्बोडिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।